मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है सर। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, क्या कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों मेरे साथ में एक स्टूडेंट है JNK जम्मू एंड कश्मीर से। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। आप इतनी दूर से, अच्छा ये बताओ दिल्ली कितने पास था वहां से? 600। और जबलपुर कितना था? कोई 1600 था। 1600 और 600 में अंतर तो है, बहुत अंतर। सो क्यों 1600 क्यों 600 नहीं? क्योंकि 600 में तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है नामी गिरामी देश के, तो हमारे जैसे छोटे इंस्टीट्यूट में आने की क्या जरूरत है? सर ऐसा है कि मुझे कुछ सीखना था सर, टाइम पास नहीं करना था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ये बहुत बड़ा आपने कमेंट किया कि आपको सीखना था, टाइम पास नहीं करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने आप में बेस्ट चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं जो काम पहले कर रहा हूँ और वो दिल्ली में अगर मैं सीखने जाऊँ, क्या पता वो उतना भी ना सिखा पाए। तो ये आपने जब यहाँ पर आप आए थे पहले दिन जब क्लास अटेंड नहीं की थी तो क्या मन में चल रहा था आपके, और जब आपने क्लास अटेंड कर ली दो दिन उसके बाद में क्या, सिर्फ उतना बताइए। सर सीरियसली मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल, मैं जब फर्स्ट डे आया था ना तो मैं जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके थे मैं उनसे रिव्यू मांग रहा था, ठीक है, क्योंकि पता नहीं दिल में ऐसे क्यों लग रहा था। सर जैसे ही फर्स्ट डे मुझे किसी ने बोला था कि तू एक दिन की अपनी डेमो क्लास ही लेगा ना, शाम को तू वापिस नहीं जाएगा, और मुझे ऐसा मिला भी और हुआ भी। तो मतलब एक दिन के बाद में आपने डिसाइड कर दिया कि यहाँ रुकना है? सर एक्चुअली बड़ी देर से काम कर रहा था तो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ और अपनी मार्केट में अच्छा नाम भी है। और जैसे मतलब कि फर्स्ट डे क्लास हुई और क्लास में मुझे इतना पता चल गया कि क्या क्या अभी बहुत पीछे है, तो आपने एक दिन में काफी मुझे चीजें मतलब कंपोनेंट की नॉलेज तो दे ही दी एक दिन में ही। यस सर। और अब क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया है, अभी आपका EMC का क्लास अटेंड करना बाकी है 10 दिन का, अब क्या चेंजेस हैं और पहले के कुलविंदर में और अब के कुलविंदर में कितना फर्क है ये बताइए। सर पहले के कुलविंदर में मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। सीरियस? हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, क्या कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है, क्या होता है, क्या नहीं है। सो यहाँ पर दूसरी सॉफ्टवेयर में कैसा मिला आपको यहाँ पर? सर सॉफ्टवेयर में भी बहुत बेटर है सर, मतलब कि पहले ऐसे नेट से देख के फोन फ्लैश तो कर लेते थे, लेकिन अब पता चला कि क्या क्या मतलब कि क्या फर्क है, कौन सी फ्लैश मतलब कि अगर फाइल कैसे रीड करनी है। सर मुझे तो ये भी नहीं पता था बाइनरी नंबर क्या होता है। तो अभी ये कि फोन को फ्लैश करना है तो फ्लैश करते समय हमें ये भी ख्याल रखना है कि आई भी ना जाए, डेड ना हो, गलत फाइल ना लें, वो चीज तक मैं पहुंचूंगा सर, सेफ फ्लैश कर सकता हूँ। बिल्कुल सेफ फ्लैशिंग करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले हम गलती कर देते थे, फिर उसमें क्या होता था किसी दूसरे से हमें सपोर्ट लेनी पड़ती थी, उसके बाद जाते थे, ये चीज अब नहीं होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज इंक्लूड करूंगा ये मेरे नए वीडियो में कि आपको आप बाकी लोगों को ऑनलाइन सर्वर भी प्रोवाइड करा सकेंगे, थोड़ा बता दो उसके बारे में। हाँ सर अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। मतलब आपको सर्वर मिल चुका है जो आपको किससे मिला है? आप ही की देर से मिला था। अच्छा तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आई क्लाउड रिमूव कराना है सही तरीके से घर बैठकर,
या आपको सर्वर का कोई काम है, आपके पास कोई बॉक्स है उसको अपडेट कराना है, एक्टिवेट कराना है, आपको किसी प्रकार के क्रेडिट परचेस करने हैं ऑनलाइन घर बैठकर, या आपको किसी प्रकार का नेटवर्क अनलॉक करना है, टोटल एक लफ्ज में कैसा रहा एक्सपीरियंस ऐसे टेलीकॉम का, और राजेश सर और मेरा क्या रहा आपकी तरफ से व्यवहार? पता रिव्यू में एक्सलेंट सबसे ऊपर, मतलब कि मैं कुछ बोल नहीं सकता फालतू सर, मेरे पास मतलब कि वर्ड नहीं है आपकी मतलब तारीफ के। मैं बहुत ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कहीं पे भी ऐसे चले जाता ना पैसे का वेस्ट ही करके फिर घर जाता मुंह लटका के, फायदा कोई नहीं। कुलविंदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि आप यहाँ टेक्नीशियन बनने आए थे जी सर, क्या बन के जा रहे हो आप यहाँ से? सर सुपर टेक्नीशियन। सुपर टेक्नीशियन, और क्या और भविष्य में आपके और रास्ते खुल गए कि नहीं खुल गए? बिल्कुल खुल गए सर। खुल गए? हाँ, मैं तो जो लोग आपको कॉल नहीं करते थे वो लोग भी कॉल कर रहे हैं आपको। बिल्कुल सर, वो भी हो रहा है ऐसा ही मैं फील्ड मतलब कि चेंज करने के चक्रों में था। हाँ कि अब एंड्रॉइड सीरीज में चल रहा है। क्या लगता है ये फील्ड को छोड़ेंगे नहीं आप? तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप तो सारी फील्डों को चेंज करवाएंगे अपने। आप छोड़ेंगे सर, अब आपने पूरे लेवल तक काम सिखा दिया, अब क्या करना चाहिए? सही बात है। तो क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई वापस 600 से 1600 का रास्ता क्यों अपना है, एक रीजन बता दो उनको। सर रीजन देखिए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप एक बता दो। हम जो देखने वाले सर जो काम कर रहे हैं ना उसको इतनी तो नॉलेज रहती है कि कंपोनेंट्स क्या होता है क्या नहीं, क्या मुझे पता है क्या नहीं पता। ठीक है, हम यूट्यूब पे वीडियो चेक करते थे, ठीक है, उस वीडियो में किसी बंदे ने अपने आउटपुट नहीं निकाले हुए। ठीक है, हमने आउटपुट जब चेक किए सर, उसमें जो दो दिन का आप आउटपुट की वीडियो दिखाते थे ना सर, उस दो दिन की वीडियो में जो स्टूडेंट यहाँ पे दो दिन में सीखते थे ना, वो मुझे पता नहीं होता था। मैं ये चीजें देख के आया था और मुझे ये पता कि मेरा पैसा एक क्या कहते हैं इसमें और आपकी फीस लेवल भी बहुत कम है सर। और आपका एक और चीज खासियत है कि जैसे अगर मैं अभी कहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में फोन कर देना तो वहां से हो सकता है गर्ल्स फोन करें या वो उल्टा फोन करने लग जाएंगे, आओ ये है हम ये सिखाएंगे ये पैकेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पे ऑलरेडी बुक रहता है सिस्टम, क्योंकि आपका पढ़ाने का सिस्टम बहुत अच्छा है। आपने जो मुझे पढ़ाया ना सर, मैं वो दूसरे को पढ़ा सकता हूँ, इतना लेवल आप ले चुके हैं। बिल्कुल सर, वो आपने दिया सर। चलिए, तो यहाँ पर और राजेश सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर वो भी अपने सुपर हीरो है सर, वो भी जैसे हम यहाँ से करके जाते थे तो राजेश सर आपको आए फर्स्ट डे से मतलब शुरू हो गए थे अपना काम सिखाने। जिस जो जैसे फ्रेशर है, अगर हम कैच जल्दी कर लेते हैं, कोई फ्रेशर कैच नहीं कर पा रहा, तो उन्होंने बिल्कुल अंदर तक उसको बसा दिया हुए। वो रिव्यू कोई भी स्टूडेंट दे सकता है सर इनके लिए, कोई मैं क्या बोलूँगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, लेकिन ये दिल से बात कर रहे हैं, हमें कोई बता नहीं। आप खुद आए हैं और मैंने कहा मेरा रिव्यू। तो अब अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा ही 26 तारीख को, जैसे 27 को, जैसे आप आए थे कुलविंदर और आपने हमारे पुराने स्टूडेंट से पूछा था कैसा है, अब आप बिल्कुल वही खड़े हुए हैं और कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे उससे? क्या बोला जो बंदा बोल के गया था, कहता है जब आप अंदर जाओगे एक दिन अटेंड करोगे। ये सर मैंने बोल चुका हूं, अभी सॉफ्टवेयर की क्लास में एक लड़का आ गया था, तो उसने मुझे बोला था कि हाफ जैसे हाफ हुआ था टाइम, तो बाहर आए थे 10 मिनट की ब्रेक में, तो मुझे बोल रहा था कि मुझे तो सारा आता है, तो मैंने बोला था इंटरवल हुआ है, फुल पिक्चर खत्म होगी तो बात करेंगे, तो क्या हुआ, तो उसी टाइम अपनी एडमिशन करा, अभी क्या कहता है मुझे कुछ भी नहीं आता। ये चीजें होती है सर, कुछ नहीं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना हम पर भरोसा रख के 600 ना तय करके 1600 की दूरी तय करके आप आए, और एक अनजान शहर में जहां आपका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पहली बार एमपी आए होंगे आप यहां पर। मैं बड़ी मजबूरी में भी रहा हूं सर, मुझे क्योंकि यहां का फूड मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो मुझे काम मिलता है ना सर, मैं एक टाइम खाना छोड़ देता हूं लेकिन काम मुझे मिल रहा है, मुझे मेन वही चाहिए, मैं पैसा भी कमा सकता हूं सब कुछ कर। सही बात, सो आप हम पर भरोसा रखा और आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में आप बहुत तरक्की करें और एक नए लेवल को टच करें, टेक्नीशियन और मोबाइल ट्रेनिंग में आप एक नए नए लेवल पे जाएं और अपने नाम, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने घर का नाम और आगे बढ़ाएं। सर वो तो हमें एशिया टेलीकॉम का भी नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, ये मेरा घर है, मैं पहले भी बोला इंस्टीट्यूट नहीं है मेरा, ये मेरा घर बन चुका है, मैंने यहाँ से जो सीखा है मुझे अब इनका नाम खराब नहीं करना है। और मेरी मार्केट में अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा उसको काम के बाद पता चल जाएगा मैं कैसा काम। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जो भी मार्केट में इनको लोग जानते हैं और जो सोचते हैं कि यार ये क्यों जा रहा है सीखने, तो मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो 8-10 साल पुराने लोग हैं वो अपडेट होने आते हैं, और इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास में जब हम क्लास अटेंड करते थे और मैं जब मैं पढ़ा देता था, सो क्लास के वो फ्रेशर बच्चों को जो रिपीट होते थे वो यही बैठ के एज अ टीचर बन के ये उनको सिखाते थे, मतलब ये उनको एटलीस्ट उतना ज्ञान दे देते थे जो उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के 10-10, 20-20 साल पुराने लोग नहीं दे पा रहे थे। तो क्या कुलविंदर आपने चीज को यहाँ पे कंपेयर किया कि नहीं किया यहाँ पर अभी? बिल्कुल सर, मैंने तो दोबारा से वीडियो भी देखी है। अच्छा, आपके साथ जो स्टूडेंट बैठे हुए थे वो तो बहुत जगह जगह से पढ़कर आए होंगे, अलग अलग जगह से, वो तो है, वो भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपको यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत
शुक्रिया आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। तो ऐसा भी होता है सर, फेसबुक में कोई आता था जो सर्किट बनाना था, अच्छा मोबाइल बनाते थे जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ से गए हुए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा रिव्यू देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी मुझे घास में बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, उसके बाद टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में पढ़ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की, मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Maxim 1001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 964-413-9972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.